राजधानी दिल्ली में बिना राशन कार्ड धारकों को आधार कार्ड के जरिए एक यूनिट पर 4 किलो गेहूं और 1 किलो चावल देने की योजना दिल्ली सरकार द्वारा स्कूलों में कई दिन से चल रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बिना राशन कार्ड धारकों को राशन लेने के लिए कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, इसकी वानगी हम आपको अपनी इस खबर में दिखा रहे हैं। ये नजारा उत्तर पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र के शिव विहार नगर निगम स्कूल का है, जहां दिल्ली सरकार द्वारा आधार कार्ड से राशन वितरित किया जा रहा है। आधार कार्ड से राशन लेने के लिए आधार कार्ड धारकों को रात के 2 बजे से टोकन के लिए लाइन लगानी पड़ती है। ज्यादातर राशन लेने के लिए महिलाएं ही अपना घर छोड़कर लाइन में लगती हैं। महिलाओं ने दिल्ली सरकार के ऊपर निशाना साधा और अपना दर्द भी बयां करा। पेश है ये रिपोर्ट। अच्छा, ये जो आपने राशन लेने के लिए कट्टों की लाइन लगा रखी है, कब से लगाते हैं आप लोग? 2-3 बजे से लग जाती है। परेशानी नहीं होती क्या? परेशानी बिल्कुल परेशानी है। आप एक महिला हैं, किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ता है? यही सब चीज देख रहे हैं हम। अगर 2-3 बजे लाइन लगाएंगे उसके बावजूद फिर भी राशन ना मिले तो फायदा क्या गवर्नमेंट का? कुछ कहना चाहेंगी सरकार से कि कुछ ऐसे नियम लगाएं कि हमें आसानी से राशन मिल जाए? ये कहना चाहूंगी सरकार से कि क्या कहते हैं, राशन कार्ड का दफ्तर खोले, ये लोग जो बिना राशन कार्ड के परेशान है सारे, तो इन लोगों का राशन कार्ड बनवाएं, हम जैसे लोगों का सब। तो ये सर, ये राशन बट रहा है कौन सी सरकार की तरफ से बट रहा है? ये मेरे ख्याल केजरीवाल की तरफ से। अच्छा, केजरीवाल सरकार कहती है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, ऐसे में छोटे छोटे बच्चों को नुकसान हो सकता है और छोटे छोटे बच्चे लाइन में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? कोरोना काल चल रहा है, यही कहना चाहूंगी कि बच्चों अब ये क्या, हाँ बताइए, पेरेंट्स खुद ही बच्चों को भेज रहे हैं, या तो वही पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि हम खुद जाएं बच्चों को ना भेजें, ठीक है ना। और गवर्नमेंट का ये, मैं तो गवर्नमेंट से यही कहना चाहूंगी कि सबके राशन कार्ड इशू करें, मेन बात ये है, राशन कार्ड इशू करें। अच्छा, ये जो राशन मिल रहा है किन लोगों को मिल रहा है? आधार कार्ड वालों को मिल रहा है जिनके राशन कार्ड नहीं बने और 7 साल से राशन कार्ड का काम बंद पड़ा है। कितना राशन दिया जा रहा है एक यूनिट पे? एक यूनिट पे 4 किलो गेहूँ है, 1 किलो चावल है, और वो भी पूरे, अगर मान लीजिए घर में 2 मेंबर है तो सिर्फ 8 किलो गेहूँ और 2 किलो चावल मिलेंगे। जैसे राशन कार्ड वालों को डबल राशन मिल रहा है, तो गवर्नमेंट को आधार कार्ड वालों को भी तो डबल राशन देना चाहिए। 3 बजे रात के 3 बजे से रखती है। अच्छा, और कल भी आया था आके, फिर 2-3 बजे से वापस चला गया, ड्यूटी देके गई, आज नहीं मिलेगा कल। अच्छा, एक यूनिट पे कितना राशन मिल रहा है? 4 किलो गेहूँ, 1 किलो चावल है, 5 किलो। अच्छा, कुछ ऐसी सुविधा नहीं दे रखी क्या सरकार ने कि आराम से राशन मिल जाए? अब सुविधा क्या, लाइन लगानी पड़ती है, लाइन लगाने से ही मिलता है, मिल जाता है, नहीं तो वापस कर चले जाते हैं। अच्छा, कुछ सरकार से कहना चाहोगे कि कुछ ऐसी सुविधा मुहैया कराएं ताकि लोगों को आसानी से राशन मिल सके, क्योंकि कोरोना काल अभी गया है, ऐसे में यदि किसी एक व्यक्ति को भी कोरोना पॉजिटिव यहाँ कोई हुआ तो सारी भीड़ को भी फैला सकता है जी। कुछ सुझाव देना चाहेंगे? इसके सुझाव क्या, किसी टोकन ले लीजिए या किसी मैसेज वगैरह कर दें तो जाए, अपना कोई आदमी आएगा ले जाएगा, भीड़ ना लगेगी, भीड़ नहीं लगेगी, मैसेज द्वारा उसी के फोन पे आ जाएगा जिसका जो है। पहले भी ऑनलाइन जैसे फॉर्म भरे गए थे उस तरीके के ऑनलाइन फॉर्म भरे जो पिछले साल कोरोना द्वारा भरे गए थे। देखिए, लोग इतने परेशान हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी टोकन की लाइन में लगे हुए हैं जी। क्या कहना चाहेंगे? तो इनके लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए हटाना चाहिए, और क्या नाम है, पहले भी जैसे फॉर्म द्वारा ही करना पड़ेगा, तभी लाइन कोई नहीं लगाएगा, फिर जो आएगा मैसेज आएगा उसी लेके चले जाएंगे। दिल्ली सरकार एक तरफ ये कह रही है कि तीसरी लहर आने वाली है जो बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है, उस तरीके से बच्चे लाइन की, राशन की लाइन में लगे हुए हैं, क्या सरकार कोई उचित कदम नहीं उठा सकती? उठाना तो चाहिए, उचित कदम तो उठाना चाहिए। वैद्य बाबूराम वर्मा, 15 सालों का इलाज का भरोसा, हमारे यहाँ आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा सभी बीमारियों का सुविधाजनक इलाज किया जाता है, जैसे खांसी, सांस, दमा, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया,
पीलिया, बवासीर, शुगर, हेपेटाइटिस, खूनी बवासीर, पिर में स्वपन दोष, लघु शंका आदि का इलाज आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा किया जाता है। इसके अलावा सभी बीमारियों की जांच भी तसल्लीबख्श की जाती है, जैसे अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, ईसीजी, रक्त, मलमूत्र, वीर्य की जांच इत्यादि। हमारे यहाँ दिल्ली सरकार द्वारा टीकाकरण, टीबी का इलाज व जांच मुफ्त की जाती है। हमारा पता है वैद्य बाबूराम वर्मा, चैरिटेबल सोसाइटी, 329 गली नंबर 9, मंडोली एक्सटेंशन, नियर नंदनगरी बस डिपो के सामने, दिल्ली 93। आप हमारे नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 9211432902, 9211478312, 9910418312। आप हमारे चैनल पर भी दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8506973234।